भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के किस्मत का फैसला होने वाला है। जी हाँ, जल्द ही ये रिजल्ट यानी कि 23 मई को चुनाव के रुझान सभी के सामने होंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ के किस्मत में क्या लिखा है, होगी जीत या फिर करना पड़ेगा हार का सामना। खैर, वो सारी बातें बाद की है, अभी 2-3 दिन बाकी है। लेकिन हम आपको ताजा सर्वे के अनुसार बता रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ में जीत मिल सकती है तकरीबन 20,000 से 50,000 कि वोटों से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारी मतदान से अखिलेश यादव के खिलाफ वो चुनाव जीत रहे हैं। ये बीजेपी के लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए भी ये किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं है। अभी तक यूपी के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें निरहुआ को बढ़त ही दिखाई दी है, कहीं से भी निरहुआ को हारने का संकेत नहीं मिल रहा है। इसे मोदी लहर कह सकते हैं और साथ ही साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस लोकसभा चुनाव में अपने लिए तो प्रचार प्रसार किया ही, साथ ही साथ अपने बड़े भाई यानी कि रवि किशन के लिए भी खूब प्रचार प्रसार किया। वैसे आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी यूपी के लखनऊ में ही है और वो तैयारी कर रहे हैं बड़े से बड़े जश्न की, ताकि वो अपनी खुशी उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सके, उन सभी जनता के साथ शेयर कर सके, भारी मतों से विजयी बनाया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।